नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। कौशाम्बी चरवा बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर के पद पर नियुक्त महिला बैंक मैनेजर प्रयागराज से चरवा रही थी। चिल्ला शहबाजी गांव के पास बाइक सवार अज्ञात लोगों ने एसिड फेंक दिया, इससे बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलस गई। घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक होने पर प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। क्या इस मामला है ये? देखिए, अभी सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास में थाना चरवा में सूचना मिली थी कि युवती जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हैं, वो प्रयागराज की तरफ से अपने ड्यूटी पे आ रही थी और रास्ते में चिल्ला साहबाजी के नाम से गांव पड़ता है, यहीं रास्ते में रोड पे उनके ऊपर मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने एसिड अटैक किया है। कुछ चश्मदीद गवाह भी थे उस समय यहाँ पर, जो उन्होंने भी देखा था उस चीज़ को। अभी जो युवती है उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद में प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है और उनके बाजू पे और सामने की तरफ में फेस के नीचे अभी जानकारी मिली है कि एसिड का जो उनके ऊपर छिड़काव किया गया है। अभी उनकी जो स्थिति है वो सामान्य है, ठीक है, इलाज के लिए अभी भेज दिया गया है और उनको इलाजरत है। आगे की कार्रवाई कुछ आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें मेरे द्वारा अभी घटनास्थल का निरीक्षण भी कर लिया गया। 3 टीमों का इसमें गठन किया गया, जिसमें एक एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में है, एक सीओ चैन के नेतृत्व में, थाना चरवा के नेतृत्व में 3 टीमों का इसमें गठन किया गया है और इसमें हम सब लोग मौके पे हैं और जो भी तथ्य आ रहे हैं उनके आधार पर आगे जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति है उनको गिरफ्तार करेंगे और जल्दी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी। नमस्कार।